हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है जो किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी के चीफ मिनिस्टर का ये बयान आता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू मुत्तहिद हो जाओ, आखिर किसके खिलाफ मुत्तहिद करना चाहता है? इस्लाम की शान में, नबी की शान में, कुरान की शान में गुस्ताखियाँ, क्या हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है, नफरत का बीज है। योगी जी हैं वो इसी में ही बोल रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स स्थित कलेक्ट्रेट पर भारी संख्या में मुस्लिम लीग के लोग पहुंचे हैं, जिनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। कौथर साहब, कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या कुछ मांगे? देखिए, वही जो आजकल माहौल चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, और अब आगे बढ़कर वो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है जो किसी भी मुसलमान को, दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त नहीं होगी, वो चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई है। और ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि जो हुकूमत को काम करना था, हुकूमत का जो फर्ज था कि उनके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाती, उन पर सख्त तरीन दफाएँ लगाकर उन्हें जेल में भेजा जाता, ये सब ना होकर उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उनकी हिफाजत की जा रही है। इसका साफ मतलब यह है कि सरकार ही ये सब कुछ करा रही है। ऐसे वाकयात होने के बाद भी यूपी के चीफ मिनिस्टर का ये बयान आता है कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू मुत्तहिद हो जाओ, आखिर किसके खिलाफ मुत्तहिद करना चाहता है? चीफ मिनिस्टर है वो हिंदू लीडर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दे, उसके बाद वो हिंदुओं का लीडरशिप करे। अगर वो चीफ मिनिस्टर है तो उसका काम ये नहीं है कि वो हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए काम करेगा और उसके आह्वान करेगा हिंदुओं के मुत्तहिद होने का, बल्कि उसका काम यह है कि वो अमन और शांति कायम करे, सबके साथ बराबर इंसाफ करे, और जो भी आदमी अमन क्या नाम कानून के खिलाफ काम करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ एक्शन ले। ये चीफ मिनिस्टर का काम है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कर रहा है। हमारा यही डिमांड है सरकार से कि वो सख्त तरीन कानून जो इस मुल्क में मौजूद हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सख्त तरीन कानून मौजूद हैं, उनका इतलाक इन लोगों पर होना चाहिए, तभी देश में अमन और शांति बहाल हो सकती है, तभी क्या नाम यहाँ पर अमन हो सकता है। अदरवाइज ऐसे लोग हुकूमत की सरपरस्ती में आगे बढ़ते रहेंगे और आगे ये क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता, चूंकि इन्हें हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं, किन के लिए भेजा गया? रसूल को फांसी दो, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। अब संविधान का रह गया मुसलमानों के खिलाफ कानून है भाई। इसमें हमारे आखिर में यही डिमांड है, हमने तो एक आगे ये सब जो कुछ वो लोग कर रहे हैं जो हिंदुत्व और सनातन धर्म के ठेकेदार होने का दावा करते हैं, अगर हिंदुत्व और सनातन धर्म का यही मकसद और संदेश है तो ये बड़ा घिनावना, डरावना और कुरूप चेहरा है, और देश के हिंदू खुद इससे नफरत करने लगे हैं क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर इस मुस्लिम विरोधी छवि की वजह से बदनामी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुसलमानों के खिलाफ इस नफरती अभियान पर तफसील से अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। इसलिए मुल्क के मफाद में हमारी अपील है कि इस तरफ खुसूसी ध्यान देकर इस तरह के उत्तेजित, भड़काऊ और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ तुरंत कठोर और ठोस कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, कलेक्ट्रेट पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया? हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारी जान, हमारी शान, हमारा ईमान हमारे आका पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लगातार उनकी शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, सिलसिला दराज होता जा रहा है। कभी महाराष्ट्र से नबी की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, रामगिरी महाराज के नाम से कोई शख्स है, उससे पहले नरसिंह आनंद ने की थी, दोबारा फिर वो मैदान में उतर करके आए हैं। तो हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस्लाम की शान में, नबी की शान में, कुरान की शान में गुस्ताखियाँ, क्या हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गुस्सा है, इश्तियाल है, और ऐसा ना हो कि ये इश्तियाल, ये गुस्सा कोई और रूप धारण कर ले। तो इससे पहले कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो, गवर्नमेंट से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि जो लोग फिजा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको जेल में बंद किया जाए और रोकथाम लगाई जाए कि किसी की शान में गुस्ताखी ना हो।
मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई गई है। एगरा गैरा नत्तू खैरा, जिसको भी चमकना होता है, फ्रंट पे आना होता है, हाईलाइट होना होता है, वो नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। तो नबी की शान में गुस्ताखियां करने से अगर आप हाईलाइट हो सकते हैं तो आपके साथ बहुत कुछ हो भी सकता है, लेकिन हम कतान ये नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो, हमारी तरफ से कोई जवाबदेही हो। हम तो गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों पर रोकथाम लगाई जाए, सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए। यह हमारी और भी लोग हैं जी कलेक्ट्रेट पर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं जो कि मेमोरेंडम दिया गया है। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भारत का देश का, भारत का जो माहौल है वो बिगड़ रहा है, और हमारे पंडित हजरात जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पंडितों का जेवा नहीं है कोई इस तरीके की हरकतें करें, वो भी एक जिम्मेदार हैं और अपने धर्म के जिम्मेदार हैं, और इसमें उनकी जिम्मेदारी ना निभाने से उनके धर्म की बेइज्जती और उनकी जिल्लत हो रही है, पूरे हिंदू समाज की जिल्लत हो रही है, इसमें पूरे हिंदू समाज की जिल्लत है। उनको चाहिए कि अपने समाज की जिल्लत न करें, किसी धर्म के आस्था को बुरा कह के या किसी धर्म के धर्म गुरुओं को बुरा कह के। तो हम दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, खास तौर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसको अपनी नज़रिए से देखें, और ये कौन लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का और तमाम जजों का फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम ऐसे ऐसी हस्तियों की, ऐसी बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी न की जाए जो एक मजहब के, एक धर्म के चलाने वाले हैं और धर्म को चलवाने वाले हैं। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये माहौल है, ये हिंदुस्तान है, इस माहौल को बिगाड़ने का चंद लोग हैं, तो वो चंद लोग क्या सरकार पर भारी हैं? क्या सरकार पर इतना भारी है कि वो उनका इंतजाम नहीं कर सकते? क्या वो उनके मातहत हैं? क्या सरकार वो चला रहा है जो गुंडागर्दी, बदमाशी, बदअखलाकी, बदकिरदारी कर रहे हैं, जो अय्याशी कर रहे हैं, जो बदकिरदारी कर रहे हैं, भारत का माहौल को बिगाड़ना है? तो सरकार को चाहिए कि वो अपने हुकूक को इस्तेमाल करे और ऐसे लोगों की गिरफ्त करे और सख्त सख्त से सख्त सजा दी जाए उन्हें, ताकि माहौल अच्छा बना रहे भारत का। क्योंकि ये जो मोहम्मद साहब हैं, ये हमारे ही नबी नहीं है, ये पूरी दुनिया के नबी हैं, तमाम मुल्कों के नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं, आसमान जमीन सबके नबी हैं, और तमाम इंसानों के नबी हैं, मोहसिन इंसानियत के नबी हैं, और मोहसिन इंसानियत का सबक दिया, अखलाक का सबक दिया, और जो आज ये औरत जो हमारे और तुम्हारे घर में, इसको बचाने का जो काम किया, ये इन्होंने क्या कल जलाया जाता था? यही नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने औरत को बचाने का काम किया। आज तुम्हारी हमारी बेटी भी है, माँ भी है, बीवी सब कुछ वो औरत है। तो हमारा कहना यह है कि ऐसी बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी क्यों की जा रही है? मैं पूरी भारत सरकार से और ख़ासतौर से चीफ मिनिस्टर साहब से, योगी जी से, कि वो बहुत ईमानदार कहलाते हैं और हम भी उनको अच्छा कहते हैं, बहुत सी बातें उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इस माना करके जो उनकी तरफ से पहल नहीं हो पा रही है सही करके उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनकी भारत सरकार बदनाम हो रही है, उनका धर्म, उनका मजहब हिंदुत्व बदनाम हो रही है, इसको इनको चाहिए कि फौरन इसका एक्शन लें योगी जी, और गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए उन्हें, ताकि कोई और यह घटना ना करे। क्या कुछ मांगे? मांगे यही है सर, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर बोया जा रहा है, नफरत का बीज है, योगी जी हैं वो उसी में ये बोल रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, मुख्यमंत्री को तो एक सभी के लिए एक की मुख्यमंत्री हैं, और आए दिन ये नरसिंह सरस्वती ये जो हैगा पखंडी, ये आए दिन जो है नबी के सामने गुस्ताखी कर रहा है, इसे पकड़ के जेल में डाला जावे और इंसाफ कराया जाए। क्या कुछ मेमोरेंडम दिया गया है, क्या कुछ मांग रहेंगे? मांग यही रखी गई है कि जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसे फौरन जेल में डाला जाए और उस सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स स्थित कलेक्ट्रेट पर मुस्लिम लीग के भारी संख्या में लोगों द्वारा पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।